दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे रतनम के लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट हुई थी या फ्लॉप। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में विशाल लीड रोल में नजर आए थे। उनके अलावा इस फिल्म में प्रिया भवानी शंकर, समूह थीरा कानी, रामचंद्र राजू, गौतम वासुदेव मेनन और योगी बाबू भी नजर आए थे। इस फिल्म को हरी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। बात करें स्क्रीन काउंट की तो दोस्तों इस फिल्म को इंडिया में लगभग 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था, तो ओवरसीज में लगभग 400 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया था। यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1100 स्क्रीन के साथ 26 अप्रैल 2024 में रिलीज किया गया था। बात करें कलेक्शन की तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 2,50,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 7,16,00,000 का कलेक्शन किया था। अपने पहले हफ्ते में 12,96,00,000 का कलेक्शन किया। इस फिल्म ने इंडिया में 14,85,00,000 का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन किया था, तो 17,20,00,000 का ग्रॉस कलेक्शन किया था। फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 1,65,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 18,85,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 21 करोड़ था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप साबित हुई थी। वहीं बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.5 रेटिंग मिले। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।